हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज तुषार सिंगल योर मैथमेटिक्स एजुकेटर और मैं आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक लेकर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक डिटरमिनेंट की एक बहुत शानदार सुपर शॉर्ट ट्रिक करी थी। अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत सुपर शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिस शॉर्ट ट्रिक के चलते आप लोग जेई मेन्स और एडवांस का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में अगर एक शॉर्ट ट्रिक पर बेस आता है तो केवल और केवल 2 सेकंड के अंदर अंदर कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो क्या है शॉर्ट ट्रिक, क्या है कॉन्सेप्ट, कैसा क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुत शानदार अपना छोटा सा प्यारा सा सेशन। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होता है आप लोग देख लो। एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगा बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो है यार, जब तक आप लोग ट्राई नहीं करोगे जब तक सीखोगे नहीं। तो वीडियो को प्लीज पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो। जब आप ट्राई कर लोगे 2-3-4 मिनट्स आप इस पे दे दोगे और जब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो उसका एक फायदा ये भी होगा कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा क्योंकि आपने उस पर थोड़ी सी मेहनत करी होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करी होगी। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, फिर बोलूंगा रिकॉर्डेड वीडियो है, पॉज करो ट्राई करो। हमसे पूछा है इसकी रेंज बतानी, तो मैं इसको एक बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरली इसको करने का तरीका होता है मैक्सिमम मिनिमा का या फिर परफेक्ट स्क्वायर वाला, आप इसे गूगल पर सर्च करके आंसर भी इसका लंबा तरीका सर्च कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड की बात नहीं करते, शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे स्क्वायर है या पावर फोर है या फिर इस तरीके से क्वेश्चन है, पावर फोर स्क्वायर, पावर फोर यहाँ, पावर फोर सिक्स, 2, 4, 6, इवन पावर हो और बीच में प्लस हो, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक छोटा सा प्यारी सी बात आपको याद रखनी है। इस कंडीशन में जो फाइनल आंसर आएगा, जो इसकी रेंज आएगी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 1, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 1 और इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी एट x इक्वल टू पाई बाई 4। अगर हम पाई बाई 4 डालेंगे तो पाई बाई 4 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। चॉइस कैसे आएगी, वो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएशन करते हैं जब ऐसा आता है। तो पाई बाई 4 डालेंगे तो साइन पाई बाई 4 ऑब्वियस है, 1/√2 होता है, उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं ये हो गया 10, चेंज कर लेते हैं तो ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2, 1/√2 की पावर 4 हो गया 1/4, तो 1/2 प्लस 1/4 ऑब्वियस है 3/4 होगा, ठीक है। तो इसकी जो रेंज आ गई फाइनल 3/4 से 1 आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर आप हमारे पास वही सिंगल क्वेश्चन ना होकर ऐसे क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो चाहे आईडी एडवांस का एग्जाम हो, उसमें भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है। साइन के आर 4x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन के आर 4x प्लस कॉस के आर 4x, सारी इवन पावर्स होनी चाहिए, बेसिक कंडीशन है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसमें जो सबकी जो रेंज आएगी वो सबकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी, ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो पाई बाय 4 पर होगी। तो साइन पाई बाय 4 होगा 1/√2 तो 1/4 प्लस 1/2 तो ये आ गया 3/4, ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/√2 की पावर 6, 1/√2 का स्क्वायर तो ये आ गया 1/8 प्लस 1/2, राइट। एलसीएम लेंगे 8 आएगा ऑब्वियस है, 4 1 प्लस 4 5 आ गया। बहुत आराम से देख लीजिए आप लोग, सेम यही क्वेश्चन है बेटा, साइन के आर 4x हम लोग करेंगे तो ऑब्वियस है 1/√2 की पावर 4 और प्लस 1/√2 की पावर 6 तो हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा हमारा 1/8। इसका फिर से एलसीएम लेंगे हम लोग, दैट विल बी 8, तो 2 प्लस 1 3/8 तो ये आ गया हमारा 3/8, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूं मैं आपको, इवन पावर आ जाए बीच में प्लस, साइन और कॉस हो तो हम ऐसे ही करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं,
ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आईटी जेई एडवांस में काफी पहले आया था और एआई ट्रिपल ई 2011 में भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर देना है और साथ में ये भी बताना है कि ये शॉर्ट ट्रिक आपको कैसी लगी, ठीक है, जरूर दीजिएगा। ऑप्शन में भी थोड़ा सा घपला है, बहुत ध्यान से संभल के आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं।